Yesterday I told you about the articles. Today I am taking a new topic, degrees of comparison. चलिए आइए मैं आपको समझाती हूँ. पहले भी समझा चुकी हूँ पर आज दोबारा से रिकॉर्ड में उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यू नो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री. विशेषता उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव में आते हैं सच एज बिग एग्जांपल ओल्ड शॉर्ट ब्यूटीफुल. ये विशेषता बता रहे हैं कि कोई चीज बड़ी है पुरानी है शॉर्ट छोटी हेल्थी है ब्यूटीफुल सुंदर है. तो ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं नाउन को क्वालिफाई करते हैं. और जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो हम इन एडजेक्टिव का ही यूज करेंगे. अब कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पर्सन और प्लेस. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स जब दो चीजों की हम तुलना करते हैं दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करते हैं. और दो बातें बहुत दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि कंपैरेटिव डिग्री में एक तो हमेशा वी आर आता है दूसरा देन. ई आर के बाद देन जरूर लगाना है. जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू यूज ई आर एंड आफ्टर दैट ई आर देन. जैसे टॉलर देन तो आपको देन भी लगाना है. एंड व्हेन वी कंपेयर मैनी थिंग्स things, person or places. जब हम दो से ज्यादा चीजों की तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे चाहे वो थिंग्स हो चाहे वो प्लेस हो चाहे पर्सन हो तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. कौन सी डिग्री लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री को यूज करने का दो इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि एक तो आपको हमेशा एसटी लगाना है. ऑलवेज यूज एसटी एंड उसके पहले दी जैसे वहां पे देन आता है बाद में यहाँ पे हम लोग द को पहले लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल माया इज द बेस्ट गर्ल in class. Maya is the best girl in the class. पूरी क्लास के मैं कंपेयर कर रही हूँ स्टूडेंट को उसमें जो माया लड़की है वो बेस्ट है. तो मैंने क्या किया मैंने पॉजिटिव डिग्री मतलब एस टी यूज करा उसमें और उसके पहले द जरूर लगाते हैं. आप लोग को दिमाग में बैठाना है कि कंपेयर में यार आता है और उसके बाद देन जरूर लगाते हैं. उसी तरह हम लोग जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं
तो आपको दिख द अपनी एडजेक्टिव के पहले द लगाना है और एस टी जरूर लगाना है। अब हम आपको, मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझा देती हूँ टॉपिक। Yeah.